हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन दी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको जानकारी देने वाला हूं बीटीसी डोमिनेंस की। जी हां, बीटीसी डोमिनेंस से हमें आइडिया लगता है, हमें पता चलता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, अल्टकॉइन किस तरफ जाने वाले हैं, और हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे मैं लाइव वीडियो बनाने वाला था, पर सोचा पहले आपको एक छोटी सी शॉर्ट में अपडेट दे दूँ, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। अगर बीटीसी डोमिनेंस की बात करी जाए तो आज करीब करीब 1% ये पंप हो चुका है 61.56 से आसपास से लेकर अभी 60.56 तक आ चुका है। पर वीडियो शुरू करने से पहले, सारी अपडेट देने से पहले, आपसे विशेष रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक हेल्प इन दी को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर डाली जाने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, मोस्टली सभी तरह की वीडियो यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो चलिए मैं सीधा लेकर चलता हूँ आपको। अब बीटीसी डोमिनेंट के ये है डेली चार्ट का, वन डे टाइम फ्रेम के अंदर है, पर मैं इसे बेसिकली वीकली चार्ट कर लूँगा, ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाए। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, मैं आपको एक कैंडल वन डे के हिसाब से है तो बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको डबल आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको डबल चैनल भी दिखाई दे रहे होंगे। आपको यहाँ पर देखिए सिद्ध, और यहाँ पर आपको एक मेजर स्पोर्ट जो आपका इसका 62% का यहाँ पर एक मेजर स्पोर्ट था जो, और इसने इसको देखिए आप लास्ट वीक की बात करते हैं, 13 जुलाई तक की बात करते हैं, तो इसके डोमिनेंस को आप 59.64 तक भी चला गया था, जिस टाइम ये अल्टकॉइन बूम पर थे। 62% बिलो अगर बीटीसी डोमिनेंस रहता है करीब करीब, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसको, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। तो करीब करीब अगर जब तक ये 62% से अबव रहता है तो थोड़ा सा खतरा सा रहेगा, और अगर इससे नीचे रहता है, अगर इसके बाद ब्रेक डाउन करता है तो फिर अल्टकॉइन के लिए बहुत ही अच्छा सेफ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हम एक बार दोबारा से अल्ट सीजन देख सकते हैं। तो अभी इसने यहाँ से दोबारा से रिटेस्ट करके बाउंस बैक किया है, करीब 1% का बाउंस बैक कर चुका है, 62.55% का इस वक्त बीटीसी डोमिनेंस, करंट बीटीसी डोमिनेंस चल रहे हैं, और हमारा जो करीब करीब 62% पर हमारा ये मेजर स्पोर्ट है। अगर यहाँ से इसने टेस्ट करके दोबारा से बाउंस बैक हुआ है तो आपको एक और यहाँ पर एक अलग स्पोर्ट दिखाई दे रहा होगा अभी, जो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है, समझ लीजिए अभी करीब करीब आप ये देख लीजिए, अगर ये 62.75 या करीब करीब ये समझ लीजिए 62.6 को भी अगर क्रॉस कर देता है तो थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी अल्टकॉइन के लिए। अभी जो आपने देखा होगा बीटीसी जो एकदम पंप हुआ 10,111 तक डॉलर तक, जो 10,111 तक जो पंप हुआ है, और इथेरियम की बात करते हैं तो $318 तक एकदम पंप हुआ है। अगर कल मॉर्निंग में 281 के आसपास था, परसों अगर हम बात करते हैं 241 के आसपास से सीधा 48 घंटे में सॉलिड पंप देखने को मिला है $80 के आसपास का, इथेरियम में $80 से भी अबव ही हमें देखने को मिला है। तो अगर ये इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है, याद रखिएगा ये मैं आपको यहाँ पे कुछ रेंज दिखा देता हूँ, अगर जैसे ये यहाँ से इस स्पोर्ट को ये थोड़ा सा क्रॉस कर देता है और ये आपका यहाँ तक आ जाता है, अगर इस चैनल को भी इसने या ट्रेंड लाइन स्पोर्ट को भी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी अगर ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए बहुत खतरे। आपका ये जो आपको यहाँ पे ये समझ लीजिए 62 पॉइंट के बाद इसमें खतरा है, 62.2 पॉइंट अगर हम 7 से प्लस क्रॉस करते हैं तो अल्टकॉइन के अंदर आप गिरावट देख सकते हैं, डाउन आना शुरू हो जाएंगे, और अगर 63 पर हम क्रॉस करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा देख सकते हैं। सिर्फ 1% के अंदर आपने अल्टकॉइन के अंदर काफ़ी गिरावट देख ली होगी। अब हमें इसके अंदर करना क्या है, सीधी सी बात, हमें ये क्लियर कन्फर्मेशन कब मिलेगी कि हमें यहाँ पे अभी एग्जिट करना चाहिए अल्टकॉइन के अंदर से या बने रहना है, ये बात यहाँ पर सबसे ज़रूरी है। तो जो ये हमारी कैंडल है, तो वन डे की कैंडल के अंदर अगर इसकी क्लोजिंग 62% से अबव होती है, यानी कि बीटीसी डोमिनेंस अगर 62% से जो स्पोर्ट लेवल है इसका अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर मैं अल्टकॉइन से एग्जिट कर लूँगा। याद रखिए अगर बीटीसी डोमिनेंस पे जो ये कैंडल है, डेली कैंडल, अगर ये 62% से अबव क्लोज हुई तो ये अल्टकॉइन के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, अल्टकॉइन के लिए बुरा रहने वाला है, ब्लड बाथ देखा जा सकता है अल्टकॉइन के अंदर। और अगर ये 62% से बिलो, अगर ये अभी देखिए 62.54, अगर इससे बिलो अगर ये क्लोज होती है कैंडल तो फिर हम अगेन अल्टकॉइन के अंदर रैली देख सकते हैं, और वैसे भी मंथ भी क्लोजिंग आ रही है, आज 26 है, तो ये थोड़ा सा रिस्की टाइम है। ऑलरेडी मैं आपको 3 डेज पहले भी बता चुका था
कि अब थोड़ी सी ट्रेडिंग में संयम रखे, कंट्रोल रखे, और जितना आपने प्रॉफिट बुक किया उसको अपना प्रॉफिट को साइड रखे, क्योंकि अब ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है क्योंकि मंथली क्लोजिंग है और मोस्टली सभी कॉइन्स का इवेंट्स भी है, और इवेंट्स के एक दो दिन पहले आपको मालूम ही है कि कॉइन्स के अंदर सब पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आपको सेफर साइड चलना, जिसके अंदर प्रॉफिट है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इट्स नॉट अ गुड कंडीशन टू एंट्री एग्जिट, ये अभी आपको बाहर रखने के लिए ही है। आप अलग रहिए, स्टे रहिए, सेफ रहिए, स्टे अवे फ्रॉम, स्टे अवे एंड सेफ। तो इस वीडियो में आपने पूरी तरह से जानकारी मिल गई कि बीटीसी डोमिनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है अल्ट कॉइन्स के ऊपर। बेसिकली बीटीसी डोमिनेंस के बारे में अपडेट थी। अगर ये बीटीसी डोमिनेंस अगर इसका इंक्रीज होता है तो अल्ट कॉइन और भी ज्यादा डाउन आएंगे। वन डे कैंडल की क्लोजिंग को देखते रहिए। ये चार्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा मेरे टेलीग्राम का, आप उससे को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या टेक हेल्प इन हिंदी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप उससे जाकर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस तरह की सारी अपडेट देखने को मिलती रहेंगी।